वेलकम टू नॉलेज अप विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे एजेक्स कॉल बैक प्रोसेस की। और लास्ट लेक्चर हमने देखा था एजेक्स कॉल बैक प्रोसेस को हम कैसे कॉल करते हैं और उसकी कुछ हमने फंक्शनलिटी अचीव की थी। तो आज हम एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि एजेक्स को कॉल करते हुए कुछ कस्टम वैलिडेशंस को हम देखेंगे, राइट? कि कस्टम वैलिडेशंस एजेक्स में हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्चुअली हम क्या करते हैं, देखें आपके पास तीन कॉलम है पेज पर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फादर नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस क्या होती है कि हम उसको जैसे वैल्यू रिक्वायर्ड को यस कर देते हैं। तो जब भी आप सबमिट करते हैं तो वो आपको पेज सबमिट नहीं होता जब तक आप उसकी वैल्यू इंटर नहीं करते, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे एजेक्स से एक्चुअली हम अपनी कस्टम वैलिडेशन बनाएंगे कि जैसे ही आप सेव पर क्लिक करें तो एजेक्स के प्रोसेस को कॉल करते हुए आपकी जो तीनों कॉलम हैं इनमें अगर वैल्यू नल है या अपॉइंटमेंट डेट आपकी आज की डेट से लेस देन या ग्रेटर देन, कोई भी कंडीशन आप लगाएं, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, उसकी वैलिडेशन करवाएंगे बाय यूजिंग एजेक्स कॉल बैक प्रोसेस, ठीक है? तो चलते हैं अपने उसकी तरफ। सबसे पहले देख लें हम जो सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं, हम एक्चुअली ये काम करेंगे कि नेम, फ़ोन नंबर और एप्लीकेशन डेटा, ठीक है जी? तो जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो अगर इसमें नेम की फील्ड आपकी एम्प्टी है तो ये आपको क्या कर नेम रिक्वायर्ड, फ़ोन नंबर एम्प्टी है तो आपको देगा, और अपार्टमेंट डेट सिस्टम डेट से कम होगी तो फिर भी आपको ये एक कस्टम वैलिडेशन शो कर देगा, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, दिस वन, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है? हम इसमें देखते हैं, ये टेबल मैंने इसकी क्रिएट, न्यू ईएमपी की टेबल क्रिएट की हुई है। कॉलम्स देख लें आप इसके अंदर, नेम, फ़ोन नंबर, अपॉइंटमेंट डेट, ये चार कॉलम है, राइट? तो चलते हैं अपने वर्क स्पेस की तरफ और इसको फर्दर चीज़ों को देखते हैं, ठीक है जी? पहले हम क्रिएट न्यू पेज पे आ गए, आप कर लें इसको, चलें आप फॉर्म कर लें, ठीक है? सिंपल फॉर्म कर लें, माय कस्टम वैलिडेशन, ठीक है जी? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट, और आप टेबल कौन सी हमने बनाई थी, न्यू ईएमपी, ये न्यू ईएमपी की हम टेबल खरीदते हैं और मैनेज बाय रो आईडी, ठीक है? आप इसे क्रिएट कर दें, सेव करें, इसे आप रन करें। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। आपका नेम आ गया, फ़ोन नंबर, स्टार्ट जो ये करते हैं, और अपॉइंटमेंट डेट आ गई, ठीक है जी? और हम क्या करें, इन सब बटन को हम करते हैं डिलीट, ठीक है? एक हम बटन बनाते हैं, इसको आप ले जाएं यहाँ पर कॉपी पर, ठीक है जी? और इसको आप करते हैं सेव डेटा, ठीक है जी? अब इसे दोबारा रन करें, आप देखें तो ये सेव आपके पास आ चुका है, ठीक है? अब इस पर कोई फंक्शनलिटी फ़िलहाल तो नहीं है, ठीक है? डेटा नॉट फाउंड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एजेक्स का प्रोसेस पहले बना लेते हैं, राइट? right?
यहाँ पे आएंगे Ajax क्रिएट प्रोसेस। चलो फिलहाल ये देखें, इसको आप सेव करें, इसके हम बाद में इसको देखते हैं Ajax के प्रोसेस को, इसको आप सेव करते हैं। अब देखें ये कुछ एरर आ रहा है, जैसन ऑब्जेक्ट टी और जैसन एरे टी। एक्चुअली ये एरर इसलिए आ रहे हैं कि जो ये जैसन टाइप्स हैं, ठीक है, और ये टाइप आपकी जो डेटाबेस का वर्जन है 12c से जो आपका वर्जन मतलब अपग्रेड होगा 12c या 12c के बाद की जो आपके डेटाबेस का वर्जन है उसमें ये जैसन ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, ये देखें जैसन ऑब्जेक्ट टी एंड जैसन एरे टी टाइप्स, दीज आर पार्ट ऑफ द ओरिकल जैसन डेटा टाइप्स विच आर इंट्रोड्यूस इन ओरिकल 12c एंड इन्हांस इन लेटर वर्जन। ठीक है, ये 12c पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये हमारे पास एक्चुअली डेटाबेस जो चल रही है वो 11.0.11 चल रही है, तो इसलिए इसको सपोर्ट नहीं कर रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस वर्क स्पेस को हम क्लोज करते हैं, ठीक है, और हम कोशिश करते हैं किस पर जाना, ऑरिकल के वर्क स्पेस पर। ठीक है जी, वीडियो को पास किया था, तो हम आ चुके हैं ऑरिकल के वर्क स्पेस पर। ठीक है जी, एक्चुअली इसको आप रन करके देखें, तो ये देखें ये नेम फ़ोन नंबर एप्लीकेशन डेटा। अच्छा, एक तो ये क्रिएट है, एक ये आपका न्यू सेव है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमने अपने Ajax का प्रोसेस कहाँ पर बनाया है। ये हमने एक Ajax का प्रोसेस बना दिया, ठीक है, सिंपल। तो ये पूरा एक कोड है, ठीक है जी, Ajax प्रोसेस का। तो इसको हम देखते हैं वन बाय वन, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए कि स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, तो हम इस कोड को अपने कोड को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हमने क्या किया, एक हमने जैसन टाइप का ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है, ये जैसन ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। एक हमने क्या बना दिया, एक जैसन एरे बना लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर किया हमने जैसन ऑब्जेक्ट और जैसन एरे, उसके बाद बिगन किया हमने, ब्लॉक हमारा बिगन हुआ। अब क्या है, अब आपका नेम इज नल, देन वो क्या करेगा आपकी जो एरे में क्या अपेंड कर देगा, ठीक है। ये एक मेथड होता है एरे में डेटा डालने के लिए, अपेंड करने के लिए, नेम मस्ट कंटेन अ वैल्यू, ठीक है। ये एरर उसने अपेंड कर दिया आपके एरे में। उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं कि इफ़ डेट इज़ नल, अगर फिर डेट नल है तो क्या करेगा, एरे में अपेंड कर देगा अपार्टमेंट डेट मस्ट कंटेन अ वैल्यू, कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। एल्स इफ, उसके बाद हम फिर एक और चेक कर रहे हैं, एक और एल्स लगाया हमने कि आपकी अपॉइंटमेंट डेट सिस्टम डेट से कम है तो क्या वो करे, वो एक्चुअली फिर वो एक एरे में आप अपेंड कर दे मैसेज अपॉइंटमेंट डेट मस्ट बी टुडे और इन द फ्यूचर, ठीक है। एंड इफ, ये सब चीज़ें हमने क्या, हमने कस्टम वैलिडेशन लगा दी। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ एल एरे डॉट गेट साइज, ये भी मेथड है गेट साइज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो क्या करे, हमने नेम वैल्यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको पता है जैसन ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेम वैल्यू होता है। एक एरर है, एरर में क्या कर दिया हमने, पूरी एरे की वैल्यू डाल दी, एरर इज इक्वल टू दिस एरे, ठीक है, जो भी ये मैसेज आए। और इसको हमने सिंपल क्या कर दिया, एज अ रिस्पॉन्स हमने HTTP जैसन ऑब्जेक्ट डॉट टू प्रिंट, इसको हमने स्क्रीन पर प्रिंट करा दिया, ठीक है जी। और एल्स की सूरत में क्या किया, इस एल्स की सूरत में वो डेटाबेस में आपको डेटा की वैल्यू सेव कर देगा, ठीक है। इंसर्ट इनटू न्यू एम्प्लॉई वैल्यूज दिस वन, और उसके बाद जैसी वैल्यू सेव हो गई तो हमने क्या किया, जैसन ऑब्जेक्ट पे हमने क्या कर दिया, एक सक्सेसफुल की, ये उसकी वैल्यू हमने प्रिंट दे दी, हमने सक्सेसफुल ये की है, ये उसकी वैल्यू अपॉइंटमेंट क्रिएटेड, और इसको हमने क्या कर दिया अपनी स्ट्रिंग पर एज अ HTTP.p एज अ रिस्पॉन्स हमने क्या कर दिया, प्लेन टेक्स्ट में हमने प्रिंट करवा दिया। ये एंड इफ आ गया इसका और ये एंड हो गया, ठीक है। अब ये तो हमने एक बना लिया, क्या बना लिया हमने, कॉल बैक प्रोसेस, Ajax कॉल बैक प्रोसेस। अच्छा, अब इसको कॉल कैसे करना है, ठीक है, ये हमारा बन गया Ajax प्रोसेस, राइट, ये पूरा Ajax प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब इस Ajax प्रोसेस को कॉल कैसे करना है, ठीक है जी, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने एक नया बटन बनाया ना यहाँ पर न्यू सेव, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डायनेमिक एक्शन डिफाइन कर देंगे हम लोग। यहाँ पर आए आप, यहाँ पर एक डायनामिक एक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है,
डायनेमिक एक्शन डिफाइन कर दिया, और इसकी ट्रू वैल्यू में हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट जावा स्क्रिप्ट कोड। चलिए ये जावा स्क्रिप्ट कोड भी हम देख लेते हैं, फिर यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है पूरा, राइट। ये देखें ये एक सर्वर प्रोसेस कॉल कर रहे हैं, ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जो पेज आइटम्स हैं वो लिए। डेटा टाइप क्या है, जैसन है। अच्छा फंक्शन डेटा डन, तो क्या करेगा ये, एक्चुअली हम ये कंसोल पे कुछ चीज़ें प्रिंट करवा रहे हैं ये चेकिंग के लिए कि हमारा डेटा जैसन ऑब्जेक्ट सही प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें जो डेटा आ रहा है उसको हम चेक करने के लिए मैंने कंसोल पे प्रिंट करा दिया। इसको आप ओमिट भी कर दें कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे हम कंडीशन है देख रहे हैं, इफ़ डेटा, ठीक है, ये जो एज अ रिस्पॉन्स डेटा हमारे पास आ रहा है, एंड डेटा डॉट एरर, एंड डेटा डॉट एरर डॉट लेंथ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये आपको एक एरर मैसेज दे देगा, ठीक है। टाइप एरर लोकेशन पेज, और मैसेज क्या गया, एरर मैसेज, ठीक है। और एल्स आपको क्या कर देगा, वो सक्सेसफुल को मैसेज दे देगा, ठीक है। और अगर आपकी एजेक्स कॉल ये फेल होती है तो सूरत में क्या करेगा, ये आपको एक एरर मैसेज दे देगा, शो समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। इस चलो इसको हम दोबारा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इसको समझते हैं कि क्या किया हमने। देखें अपेक्स सर्वर प्रोसेस क्रिएट अपार्टमेंट, और ये आपके पेज है। अच्छा अपेक्स सर्वर प्रोसेस क्रिएट, दिस फंक्शन इज यूज टू कॉल नेम अपेक्स बैक एंड प्रोसेस क्रिएट अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये हमने अपॉइंटमेंट का प्रोसेस को कॉल कर लिया बैक एंड पे, और डायनेमिकेशन पेज प्रोसेस में, ठीक है जी, हमने डन। अच्छा पेज आइटम्स, दिस स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ पेज आइटम हुज वैल्यू और हुज वैल्यू यू वांट टू सेंड टू द बैक एंड प्रोसेस, ये आपके एज अ पैरामीटर जो आप बैक एंड प्रोसेस को सेंड करेंगे पेज आइटम्स, ठीक है। अच्छा दिस इंडिकेट द एक्सपेक्टेड डेटा टाइप फॉर द रिप्रेजेंट फ्रॉम द सर्वर, दिस सर्वर इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न अ जैसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमें पता है कि हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें जैसन ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा ये डन मेथड क्या करता है, डन मेथड आपका क्या करेगा, दिस कॉल बैक फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, दिस कॉल बैक फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द एजेक्स कॉल इज सक्सेसफुल, जैसे ही आपकी कॉल सक्सेसफुल होगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और डेटा इज द जैसन रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर साइड। इस डेटा में आपका क्या आएगा, आपका सर्वर का रिस्पांस आएगा। सर्वर का रिस्पांस मतलब क्या, जो आपने एरर में एरर पास किया हुआ है, या डेटा या सक्सेसफुल का मैसेज पास किया हुआ है, वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और एक कंसोल का डेटा, ये हमने कुछ कंसोल में प्रिंट करवा दिया है, लॉग द न्यू रिस्पांस डेटा टू ब्राउजर कंसोल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करें, हम यहाँ पर एरर हैंडलिंग करते हैं इनसाइड डन में, ठीक है। डेटा एरर एंड डेटा टाइप चेक इफ देर आर एनी एरर रिटर्न फ्रॉम द सर्वर, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी एरर जो सर्वर से रिटर्न हुआ है, ठीक है, डेटा डॉट एरर इज एक्सपेक्टेड टू बी एन एरे ऑफ एरर मैसेज, जो हमने एरे डिफाइन की थी वहाँ पर, आपको याद होगा पिछले प्रोसेस में हमने एक एरे को डिफाइन किया था। अपेक्स डॉट मैसेज डॉट क्लियर, ये जो अगर आपके पीछे प्रीवियसली कोई मैसेज शो हुआ हुआ एरर तो उसको क्लियर कर देगा। अच्छा और ये जो है आपका डेटा एरर फॉर ईच फंक्शन एरर मैसेज, डेटा डॉट एरर फॉर ईच फंक्शन लूप थ्रू ईच एरर मैसेज एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन ऑन पेज यूजिंग अपेक्स डॉट मैसेज डॉट शो एरर, ये क्या करेगा, ये पूरा एक लूप क्रिएट करेगा, और जो जो आपके एरे में मैसेजेस हैं, ठीक है ना, वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा आपके पेज पर, ठीक है। डिस्प्ले अच्छा शो एरर, ठीक है, ये आपको डिस्प्ले एन एरर मैसेज ऑन द पेज, और टाइप उसकी एरर है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर, लोकेशन पेज है आपकी, ये आपकी लोकेशन पेज पर आ जाएगी। अच्छा एल्स अपेक्स, दिस इज इफ देयर इज नो एरर दिस डिस्प्ले सक्सेस मैसेज यूजिंग अपेक्स डॉट शो पेज सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा, डेटा डॉट सक्सेस मैसेज, तो अगर आपका ये पूरा आपका किसी कोई भी एरर आपको रिसीव नहीं हो रहा तो ये मैसेज आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और फेल की सूरत में क्या होगा, ठीक है, दिस कॉल बैक इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द एजेक्स कॉल फेल नेटवर्क इशू और सर्वर एरर, ठीक है, उस पर क्या होगा कि आपको एक ये एक एरर मैसेज हो जाएगा, अपेक्स डॉट मैसेज डॉट शो एरर समथिंग वेंट रॉन्ग ट्रॉय लेटर, आपके नेटवर्क का इशू है या इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपको एक एरर मैसेज रिटर्न हो जाएगा, ठीक है जी, ये एरर मैसेज रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमने कोड को डिस्कस किया, अब चलते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं, इसको आप रन करें, पहले आप इसको न्यू सेव करें,
तो ये देखिए, नेम मस्ट कंटेन ए वैल्यू, अपॉइंटमेंट डेट मस्ट कंटेन ए वैल्यू। ठीक है, नेम आप लिख दें आसिफ और न्यू करें, अपॉइंटमेंट डेट मस्ट कंटेन ए वैल्यू, इसको आप प्रीवियस डेट दे दें 10 तारीख, अपॉइंटमेंट डेट मस्ट बी टूडे और इन द फ्यूचर, इसकी आप डेट 12 तारीख कर दें। इसको आप सेव करें तो देखें, अपार्टमेंट सेव, रिकॉर्ड क्रिएटेड। तो आप न्यू एमपी में देखें, इसके अंदर रिकॉर्ड आपका सेव हो चुका होगा। डेटा तो ये देखें, आसिफ का रिकॉर्ड आपके इसके अंदर सेव हो चुका है, राइट। तो ये था हमारी कस्टम वैलिडेशन। आज हमने देखी कि एजेक्स को यूज़ करते हैं हम कैसे हम अपनी कस्टम वैलिडेशन बनाते हैं। तो अपने लेक्चर को रैप अप करते हैं। तो देखते हैं हमने सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले हमने एक एजेक्स का प्रोसेस बना दिया, ठीक है। एजेक्स के प्रोसेस में हमने कुछ एरर हैंडलिंग की और उसके बाद हमने अपना डेटा इंसर्ट करवा दिया। ये पूरा एजेक्स कॉल बैक प्रोसेस है जो बैक आपका हमने क्रिएट किया। इस प्रोसेस को हमने कॉल किया अपने इस बटन से, ठीक है। न्यू डायनेमिक एक्शन बनाया, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट का कोड हमने चलाया इस पर। इसको पूरा हमने हैंडल किया, जो मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, इसको हमने पूरा अपने एरर को हैंडल किया। एक्चुअली इससे क्या होता है, इससे देखें ना आप, इससे आपको क्या फर्क, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब आप पूरी कस्टम वैलिडेशन आपने बना ली है, पूरे पेज की कस्टम वैलिडेशन आप एक जगह पे कर रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ से देखें, एजेक्स से आप कर रहे हैं पूरी कस्टम वैलिडेशन हर जगह। अब यहाँ पे कुछ आपको पीरियड है, आपको अगर वो डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, तो आप फ़ोन नंबर की भी एरर हैंडलिंग कर लें, ठीक है ना। तो एक ही जगह पे आपको पूरे अपने पेज की एरर हैंडलिंग कर रही, आप एक ही जगह पर कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी अचीव कर सकते हैं, देखें पीरियड, इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड यस कर दें, ठीक है ना। इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड आप यस कर दें, तो इसको जब तक वैल्यू नहीं देंगे आप, ये आपका पेज सबमिट नहीं हुआ। मगर उसका बेनिफिट क्या हुआ कि वो आप, इसको आपको सेपरेट आइटम पर जाकर करना पड़ता है। मगर उस सूरत में, एजेक्स की सूरत में, आप एक ही कोड पर एक ही जगह रहते हुए आप अपनी सारी एरर हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। एरर हैंडलिंग जो भी आप कर रहे हैं वो इसी पेज पर कर रहे हैं आप। जिसमें भी इसको कुछ आप और आपने एरर हैंडलिंग करना है, तो यहाँ पे उसकी एरर हैंडलिंग भी आप कर सकते हैं। इफ़ फ़ोन नंबर इज़ नल, तो आप उसकी भी एरर डाल दें उस पर। तो ये एक इसका बेनिफिट है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।